अस्सलाम वालेकुम नाजरी, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 21 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं। मौलाना मोहम्मद सादिक बुयुद्दीन साहब, मुफ्ती साहब का महमूद अली साहब को शॉल पेश करते हुए गुलपोश की जाएगी सदर मोहतरम अपने हाथों से। मौलाना मुफ्ती सादिक ने कि अल्लाह ने हमें ऐसा कायद और हर जाविये से हर कौम की सेकुलर फिक्र कर गुलपोशी जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद जमीयतुल कुरैश फूलों का हार दीजिए बाबा माशाल्लाह। एक पहले शॉल दीजिए फिर एक फूल का हार रेडी रखिए। सलीम साहब सामने देखिए, सलीम साहब जरा सामने देखिए। साहब होम मिनिस्टर साहब शॉल पोशी कर रहे हैं, सदर मोहतरम सलीम साहब गुलपोशी करेंगे। जाहिद भाई की गुलपोशी, महमूद अली साहब गुलपोशी शॉल पोशी करते हुए मैनू भाई तशरीफ लाइए सामने आइए। जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा है सामने आ जाइए। ऐसा ऐसा टर्न हो जाइए, इधर बढ़िए, इधर इधर मैनू भाई आपकी शॉल पोशी गुलपोशी महमूद अली साहब होम मिनिस्टर या सामने आइए। मोहम्मद अब्दुल रहमान अल मारूफ पाशा भाई माशाल्लाह इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर साहब, देखिए आपके तारीफी कलिमात सादिक हो गए, अल्लाह पाक करम फरमाए। होम मिनिस्टर साहब कमिश्नर साहब की इलेक्शन ऑफिसर की गुलपोशी शॉल पोशी आइए सब। एक सेकंड इधर हटिए भैया, हमारे जी उमर साहब आइए, उमर साहब सामने आइए। इधर इधर देखिए साहब, इधर अधीर भाई लतीफ साहब, इधर देखिए लतीफ साहब, हमारे महीनों भाई बशीर साहब इधर देखिए, इधर इधर देखिए साहब, वो यहाँ कोई तशरीफ नहीं है, बाद में ले लेंगे। नायब सदर, नायब सदर जनाब जनाब मोहम्मद शफी कुरैशी याकूब कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद हबीब ठीक है जनाब अब्दुलरहमान अदीक भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद सलीम साहब को सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ये चार साल की मियाद बहुत ही खुशियों तरक्कियों और सरफराजियों। आज बड़ी खुशी हुई हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे सरपरस्त आला और मैं हमारे केसीआर साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि केसीआर साहब मिनिस्टर को हमारे को दिए, जो लो प्रोफाइल लेके थिंकिंग हाई रखते हैं हमारे अहमद अली साहब होम मिनिस्टर साहब, और आज डेढ़ घंटा यहाँ पर टाइम देकर हमारे बिरादरी को जो है ना इज्जत में इजाफा करे हैं। और मैं हमारे फ्रेश बिरादरी से भी मेरी अपील है कि हम लोग सब मिलकर जमात के डेवलपमेंट पे जाएंगे। हम जो भी खिदमत लेना है हमारे केसीआर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से जो ना बराबर, हमारे मराहत में कोई भी चीज़ की कमी है जानवर पकड़ने में या कहाँ जहाँ पर भी कुछ रुकावटें हो रहे तो हम बराबर होम मिनिस्टर साहब के घर पे जाके जहाँ भी है बराबर काम ले सकते हैं, और वो आधी रात को काम भी करते हैं। और हमारे केसीआर साहब खुद जो है डीजी साहब को बोले कि भाई ऑक्स और बफलों को कहीं भी रास्ते में रोकना नहीं है, पूरे पुलिस डीजी को खुद फ़ोन करके पर्सनल मेरे सामने जो है ना बोलने के बाद में आज तक हमारे तेलंगाना स्टेट में पीसफुल्ली जो है
गोश्त के कारोबार आसानी से चल रहे हैं। दूसरे स्टेटों में तो जो है ना जानवर ले आ नहीं सकते, लेकिन तो उसको ख़त्म कर देते हैं वो लोग। यूपी वगैरह में सुनते होंगे आप लोग, यहाँ पर एकदम पीसफुल काम हो रहा है और हमारे पास लैंड ऑर्डर भी पीसफुल है, हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलकर हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट केटीआर साहब की गवर्नमेंट चल रही है उसकी एक जिंदी मिसाल हमारे होम मिनिस्टर साहब है। होम मिनिस्टर साहब खुद आपको डिटेल में बताएं और अभी आपको मुखातिब करेंगे। और जमात में मैं सदर इलेक्ट हुआ बोल के ऐसा नहीं है, मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा इंशाल्लाह ताला, पोस्ट रहो या ना रहो मैं बराबर या खिदमत अंजाम दूंगा जब तक मेरी सांस है बराबर जमात के लिए। जो काम बोले बराबर आज नहीं, आज से 30 साल पहले से करते हुए आ रहा हूँ मैं। इस जो पहले के भी जो सदर थे वो लोग भी मेरे से काम लेते थे चंद्रा बाबू के टाइम पे, हम बराबर गवर्नमेंट में घुस के काम कराते थे जो भी हमारे मराए थे। और उसके बाद में अब तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को उत्ता बोलने की, क्योंकि केसीआर साहब खुद एक सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कल्चर वाकिफ है। लोग पहले के जितने सीएम आते थे आंध्रा के रहते थे, यहाँ के ये जो सीएम साहब है केसीआर साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे को एक अच्छे होम मिनिस्टर दिए और हमारी गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से पीसफुली चल रही। और एनआरसी के बारे में भी केसीआर साहब बोल दिए कि यहाँ पर एनआरसी बिल्कुल लागू नहीं होंगी, और महमूद भाई भी बोल दिए एनआरसी लागू नहीं होंगी और आने वाले टाइम में बिल भी पास होगा यहाँ पर असेंबली में, ये भी पूरी प्लानिंग। और पूरे चीफ मिनिस्टरों को बुला के बात करेंगे बोल के केसीआर साहब खुद आप लोगों को मालूम है अनाउंस करे हो, और जो केसीआर साहब सोचते हो बराबर करके दिखाते हो। सलीम भाई को जो है लोगों पर करो आवाज दिया गया है। सलीम भाई आज नहीं, आज जब से वो उरूज में जवानी में आए, जब से जमात की बहुत खिदमत करते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी जमात के लिए हर किस्म की हुकूमत से नुमाइंदे की, उनके मसाइल पर नुमाइंदे की, फिर इस मरतबा उन्हें 4 साल का ओहदा दिया गया। यकीनन जमात उल फरज ऐसी जमात है जो रात दिन मेहनत करते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम यही चाहते हैं ये लोग भी अच्छे तालीम याफ्ता बने, बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करें। और आज मुझे यकीनन खुशी की बात है क्योंकि सलीम साहब का एक जज्बा है, सलीम साहब आज वर्कबोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आज उनका जज्बा है कि अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें, पहले से करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले 4 साल भी बहुत अच्छी तरह खिदमत करेंगे। उन्होंने आज ऐलान भी किया है, बहुत से स्कीम्स का ऐलान किया है, शादी मुबारक स्कीम बहुत बड़ी हुकूमत भी चलाती है, और उन्होंने भी अपनी जानिब से जो गरीब लोग हैं जमात में उन लोगों की शादी में उनकी तरफ से जमात उल फरज की जमात की तरफ से 7,000 रुपये हर शादी पर और 51,000 शादी का ऐलान किया है, मुझे बहुत खुशी की बात है। ये सलीम भाई को जो यूनानी मस्ती चुना गया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और उनके तमाम जितने भी उनके मेंबर्स हैं और जितने हमारे जमात उल फरज के हमारे भाई हमारे स्टेट में रहते हैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूनानी मस्ती इन्हें सदर बनाया। और ये भी इंशाल्लाह इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जमात में बहुत अच्छी तरीके से काम कीजिए, ख़ासतौर से तालीम की तरफ ज़्यादा जहन लड़ाइए, जो लोग गैर तालीम याफ्ता है उनको तालीम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमात से जो फंड होता है जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसे दिया जाए। और इस जॉब दुनिया में जो भी कौम तालीम हासिल करती है वही तरक्की करती है, इसलिए जमात उल फरज के लोग उमूमन कारोबार से वाबस्ता है। और इंडिया में एक ही हमारे सीएम साहब है केसीआर साहब जो रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर तमाम लोगों के साथ साथ जमात उल फरज के बच्चों को भी रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छी तालीम दे रहे हैं। आज हमारा तेलंगाना बनने के बाद पहले 6 साल के अंदर इस तालीम पर सीएम साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, आज 80,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। मेरी जानिब से सलीम भाई को दिल की तरफ से मुबारक। सर एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट हैदराबाद में जो साहब एनआरसी के बारे में ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर सख्त उसकी मुखालिफत की गई, आज नहीं जब वो बिल आया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक बड़े सेकुलर चीफ मिनिस्टर उन्होंने ऐलान किया कि एनआरसी का हमारी स्टेट नहीं होगी, जब हुकूमत खुद इसके बारे में मुखालिफत करती है। और सीएम साहब ये भी कहा कि इसके लिए मैं सारे हिंदुस्तान के जितने सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलाऊंगा और बहुत बड़ी मीटिंग करके इसकी मजम्मत की जाएगी इस बिल की, और असम्बली आने वाले महीने में असम्बली है, असम्बली में भी एक करारदाद इसकी मुखालिफत में पास किया जाएगा। ये ऐलान करने के बाद हुकूमत खुद इस पर सख्ती से जो एनआरसी को रोकने की कोशिश कर रही है, मैं मेरे तमाम भाइयों से कहता हूँ जो रोडों पर निकलने पर वायलेंस होगा, आप जहाँ पर भी मीटिंग करना चाहते हैं कंपाउंड वॉल के अंदर जहाँ हमेशा उन्हें परमिशन दिया जा रहा है, और रोडों पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक इलाका जगह मुहैया है वहाँ जाकर कर सकते हैं धरना चौकों पर। मगर तशवीश है साहब कि खवातीन जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, खवातीन देखिए आपको एक बात बताता हूँ, जब रोडों पर प्रोटेस्ट करते हैं तो लैंड ऑर्डर खराब हो जाता है, आपको अमन चाहिए
और NRC नहीं चाहिए, वो हम दे रहे हैं आपको। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में वाइल्ड लीडर KCR साहब है, NRC के बारे में सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो बिल की मजम्मत की है, और उन्होंने कहा कि हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान में इंतजार नहीं चाहिए। उन्होंने बार बार ऐलान कर रहे हैं और बाज़ाब्ता प्रेस में आप लोग सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में NRC का अमलावानी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ रात के 12 बजे बाहर मंदिर में आइए। उनके ऊपर केसेस बुक किए गए, आप ये बात भूल जाइए, जो भी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाएंगे ज़रूर केस बुक किया जाएगा। इसीलिए हम रोडों पर परमिशन नहीं दे रहे हैं। जो कंपाउंड वॉल के अंदर मीटिंग करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर परमिशन दिया जा रहा है। अगर रोडों पर आ जाएंगे तहशत हो जाएगी, उस एक दूसरे में मुकाबला हो जाएगा, किसी किस्म का भी इंतजार होगा तो इससे अमन धर्म भरम होगा। मेरे भाई और बहनों से मैं यकीन है बात कहता हूँ, सब CM साहब सब कंपाउंड वॉल में आप फंक्शन हॉल में आप मार्च में जो बच्चों के ऊपर केसेस उठाने के लिए हुकूमत की तरफ कोई नहीं उठाया, आप बताइए किसको उठाए, बोलिए किसी को नहीं उठाया। केसेस देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुनिए मेरी बात भाई, ये करें हुकूमत अरेस्ट नहीं करना, ये हुकूमत की पॉलिसी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो हाई कोर्ट में परमिशन ले रहा था 1000 लोगों के लिए, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, वो नॉमिनल केसेस बुक किए गए, किसी को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सकते हैं जजेस कि आप क्या करें, पुलिस हम 1000 आदमी का परमिशन दिए थे, ज़्यादा लोग किस तरह, ये कुछ पॉलिसी रहते हैं। मगर NRC में जो भी प्रोटेस्ट करें, मैं उन तमाम भाइयों से कहता हूँ कि आप जो भी है लैंड ऑर्डर को